एक शादी की पुस्तक गुलिस्ता पहला अध्याय 17वीं कहानी सगु दरवान जो याफत पंद गरीब ई कीरेवानश गिरद आदामन यानी गरीब का रईस के घर पर गुजारा नहीं, वहाँ उसको दो शत्रुओं से मुकाबला करना पड़ता है, एक द्वारपाल से और दूसरे कुत्ते से, इसलिए वहाँ बिना किसी वसीले के जाना उचित नहीं। मैं कुछ ऐसे आदमियों की संगति में बैठा उठा करता था जिनका चाल चलन जाहिरा बहुत अच्छा मालूम होता था। एक समृद्धिशाली पुरुष उन लोगों पर बहुत ही श्रद्धा रखता था, उसने उनके भरण पोषण के लिए कुछ वृत्ति नियत कर दी थी, परंतु उनमें से एक मनुष्य ने कुछ ऐसा काम किया जो फकीरों की चाल के विरुद्ध था, इसलिए उस समृद्धिशाली पुरुष की श्रद्धा उन लोगों पर न रही, उन लोगों की वृत्ति में बाधा पड़ गई। मैं किसी उपाय से उनकी वृत्ति जीविका फिर जारी करना चाहता था, इसी इरादे से मैं उस अमीर की खिदमत में गया, परंतु उसके दरबार ने मेरा अपमान किया और मुझे उसके पास तक न जाने दिया। मैंने इस कहावत के अनुसार उसकी बात का बुरा न माना कि जो कोई किसी मीर वजीर या बादशाह के पास बिना वसीले के जाता है तो दरबान लोग उसे गरीब समझकर उसका गला पकड़ते हैं और कुत्ते दामन पकड़कर खींचते हैं। जब उस अमीर के प्रधान कर्मचारियों को मेरा हाल मालूम हुआ तो वे लोग मुझे बड़े आदर सम्मान से अंदर ले गए और मुझे अच्छे स्थान पर बिठाया, परंतु मैंने बड़ी दीनता के साथ नीचे बैठकर कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं नीचे दर्जे का आदमी हूँ, मुझे नौकरों की ही श्रेणी में बैठने दीजिए। मीर ने कहा, आप यह क्या करते हैं? अगर आप मेरे सिर और आंखों पर बैठो तो भी मुझे इनकार नहीं, आप प्रीति करने योग्य हैं। खैर, मैं बैठ गया और अनेक प्रकार की बातचीत हो जाने के बाद जब मेरे मित्रों का जिक्र आया तो मैंने पूछा, हुजूर मैं ऐसा क्या दोष देखा जिससे हुजूर को तावेदार से इतनी घृणा हो गई? केवल ईश्वर ही ऐसा दयाशील और महत्वपूर्ण है कि जो दोष देख कर भी किसी की रोजी बंद नहीं करता। उस अमीर को मेरी बात भली मालूम हुई और उसने मेरे मित्र की वृत्ति जीविका फिर से जारी कर दी और जो कुछ बाकी था वो भी चुका देने की आज्ञा दे दी। मैंने उसकी उदारता की प्रशंसा की और अपनी कृतज्ञता प्रकट की तथा अपनी गुस्ताखी के लिए माफी मांगी। चलने के समय मैंने यह कहा कि मक्का का मंदिर लोगों को मनोवांछित फल देता है, इसीलिए अनेक लोग वहां जाते हैं, अतः आपको भी हमारे जैसे लोगों की अड़ियल प्रार्थना पर ध्यान देना चाहिए। जिस वृक्ष में फल नहीं होता उस पर कोई पत्थर नहीं मारता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपराधी और निरपराध सब पर दया दृष्टि रखनी चाहिए। जिस तरह चंद्रमा तपस्वी अपराधी निरपराध और चंडाल सबके घरों में अपनी चांदनी छिटकाता है, सूर्य बुरे भले सबके घरों में उजियाला करता है, उसी तरह हमें भी अपराधी निरपराध दीन दुखियों पर दया प्रकाश करनी चाहिए। शेख सादी ने स्वयं कह दिया है कि विश्व भर अपने विश्व के बुरे भले सब जीवों को जीविका पहुंचाता है। कहानी समाप्त।